रास्ता में बात हुई थी, आप नजर मेरी तरफ रखेंगे क्योंकि मैं गाना कम जानता हूँ, बजाना ज्यादा जानता हूँ। देखो सभी लोग, आनंद जब तक मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, जब तक आप पूरा आनंद नहीं देंगे, हाथ ऊपर होने चाहिए। आज यहाँ मेरे श्याम का दरबार लगा हुआ है और श्याम का श्याम गा रहा है, कितनी अच्छी बात है। ये समझ लो श्याम ने श्याम को भेज दिया आपके सामने, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो आप लोग कृपया करके मेरा सहयोग करेंगे, मुझे दिख रहे हैं सारे बंधुवर, अविनाश भैया थोड़ा सा हाथ ऊपर करके, आप बाबा के भक्त हैं और बाबा के लिए मैं गाना गाऊंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो कृष्णा बड़े बड़े कलाकार इस महफिल में बैठे हुए हैं। मैं माफी चाहूंगा पीछे वाले लोग, कुछ मेरे भजनों को या तो अच्छा नहीं लग रहे हैं या नजरअंदाज कर रहे हैं या अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। आपको पता था कि आप हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो हाथ तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी कंजूसी आप क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने हाथों को ऊपर कर दिए। देखो सबके हाथ भगवान ने दिए कि नहीं दिए, सभी के हाथ दिए कि नहीं दिए, दिए तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? अरे जब हाथ दिए तो बोलो और फिर हाथों को खोलो। हाथ उठाने से कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपको कभी समस्या नहीं होगी, दिमाग आपका तेज बना रहेगा, सुंदरता बनी रहेगी, आपकी उम्र हमेशा कम लगेगी, कितने भी आप बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आप जवान लगेंगे। और दूसरी बात, आपके नजदीक अगर दूसरी बात, आपको कभी मलेरिया नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, डाक अटैक कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जब नजदीक आपके मच्छर आएगा तो वैसे ही फड़फड़ा के मर जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो कुल मिला के बात है, आप बड़े आनंद से मथुरा चलते हैं। देखो बड़ी बड़ी दूर से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि भाई साहब लाइव क्यों नहीं चल रहा, लेकिन मैंने उन्हें बता रखा है पहले मैं अपने भाइयों को सुनाऊंगा, बहनों को सुनाऊंगा, माताओं को सुनाऊंगा, पिताओं को सुनाऊंगा, बाबा को सुनाऊंगा, बूढ़ों को सुनाऊंगा, उसके बाद मैं लाइव करूंगा। तो आप कृपया करके मेरा सम्मान रखिएगा। गोविंद मेरो है बैठे हैं, हाथ पैंट में रखे हुए हैं, या तो आपको खुजली है या शर्म लग रही है, बताओ क्या परेशानी है? दोनों चीजों की मेरे पास दवाई है। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा 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 हरे हरे मैं भजन, अरे पहले छाप लगाए भाई, क्या बताएं, बड़ी बड़ी फोन उठा लो, कोई समस्या तो नहीं, आप लोग जाओगे तो नहीं, मैं इसको बंद ही कर देता हूं कि बहुत दूर दूर से फोन आ रहे, पता नहीं कहां कहां से आ रहे, इसको स्विच ऑफ कर दो, जहाज कहां से लगेगा, जहां से ठीक। हाँ अब मैं छाप लगा दो, थोड़ी सी नहीं नाराज हो जाएंगे,
बोलेंगे हमारी तो छाप नहीं लगाई, चाची जी इधर बैठी हुई हैं। अरे चाचा फौजी मेरे आए और अजब निराले छठी के हाँ से दे गए देखो कैसे ले जाए नोट। चाचा आए कछ नोट लाए, चाचा आए कछ नोट लाए, चाची ने देखे तब मुस्कुराए। चाचा जी क्या बात है भाई साहब, भैया जी नोट दस का लाए। क्यों भाभी ने नहीं कहा? मुझे लग रहा है कि घर में बड़ी समस्या है। देखो भैया, शादी करने के बाद बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। बीच में ना रुक जाऊं कुछ कह दूं मैं, क्योंकि शादी का विवाह क्या होता है, विवाह एक खूबसूरत जंगल है और जंगल, और भैया जहां बहादुर शेरों का बिल्लियां शिकार करती है। विवाह क्या है? एक खूबसूरत जंगल और वहां बहादुर बड़े बड़े पहलवानों का बिल्लियां शिकार करती है। कैसे? शादी का मतलब क्या है? मैडम पहली बार आएंगे, क्या कहेंगे मालूम? अजी सुनते हो? क्या कहेगी? अजी सुनते हो? और कछु दिन आवाज का कहेंगे, कड़ी का प्यार वाला सुनते ही नहीं। कछु समय के बाद स्थिति ये हो जाती है मेरे भाइयों। और क्या होता है शादी का मतलब? तेरे जैसा कोई नहीं। जी कब का दौर है? स्टार्टिंग जैसा। पत्नी क्या कहती है? तेरे जैसा कोई नहीं है। बाद में क्या कहते? कड़ी खा तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। बाद में कहती कड़ी खा तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। शादी का मतलब आप रहने दो, आप रहने इनने कहा गई है वो बाद में बताऊंगा। जैन जो कह रही है मैं ऐसी पकड़ गई, पकड़ गई। स्टार्टिंग में क्या कहती है? आप तो रहने आप रहने दो। स्टार्टिंग में कहती है आप रहने दो, बाद में क्या कहती है? कड़ी का रहन दिया पर नहीं रहन दिया, कह लेन देगा। शादी का मतलब आप मुझे बड़े नसीब से मिले। दुल्हन कहती है आप मुझे बड़े नसीब से मिले। और कछु दिन बाद कड़ी खाए मेरे लिए बैठो, कड़ी खाए मेरे लिए बैठो।
शादीशुदा जिंदगी एक कश्मीर जैसी होती है। शादीशुदा जिंदगी अविनाश भैया एक कश्मीर जैसी होती है। खूबसूरत तो बहुत होती है लेकिन साला आतंकवाद बहुत होता है। तो एक भजन हो जाए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा 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 अब नेक थोड़ी सी कंपटीशन कर लें। राधे राधे बोलना पड़ेगा आप सबको, है ना? थोड़ा सा ऐसे अगर पसीना निकल आवे तो लगेगा आनंद आ रहा। राधे राधे रखे चलो आएंगे बिहार, 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 आएंगे बिहार चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहार चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। ऐसे बात नहीं बनेगी भगवान कसम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कहां आ गया पता नहीं। मेरे गांव के युवाओं की तालियों की धड़कन इतनी जोर से बजनी चाहिए कि हाईवे में पता लग जाए कि कहीं तालियां बज रही हैं। राधे राधे हाथ ऊपर करो सब। पहले भैया हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर। राधे 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 राधे